हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो अपन क्लास 9 सीबीएसई एंड आरबीसी बोथ जो बोर्ड है उसमें चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.5 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो अपन क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन नंबर 5 अपन इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। एक आपको मैच बॉक्स की मेजरमेंट आपको गिवन है जिसमें लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, विड्थ आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है उसकी 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है 12 मैच बॉक्स का, ठीक है। एक मैच बॉक्स के आपको मेजरमेंट गिवन है और 12 बॉक्स के आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन होगा इसमें, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखे होगा डायमेंशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्स। डायमेंशन आप में आपको गिवन इसमें लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, विड्थ आपको गिवन है इसकी 2.5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है इसमें 1.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे पहले आप वन मैच बॉक्स का, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। फाइंड आउट करेंगे लेंथ आपको गिवन है 4, कि वर्ड शेप की अपने पास मैच बॉक्स की कोई लेंथ बेड तो हाइट आपको गिवन है, तो ये अपने पास कौन सी शेप हो जाएगी, क्यूबॉइडल हो जाएगी मैच बॉक्स। एल इंटू बी बी इक्वल 2.5 इंटू एच, एच की वैल्यू आपके पास 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.5 को 4 से 10, 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आएगा अपने पास वन मैच बॉक्स का, लेकिन आपको टोटल मैच बॉक्स गिवन है यहाँ पे 12, तो 12 मैच बॉक्स का अपने पास वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा अपने पास का आंसर। एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करके 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 12 मैच बॉक्स का क्या आ जाएगा ये वॉल्यूम 180 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। इस एक्सरसाइज में जो अपने पास क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्यूबॉइड पे अपने पास बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। तो क्यूबॉइडल आपके पास वाटर टैंक है जिसके लेंथ आपको गिवन है, विड्थ आपको गिवन है और जिसके डेप्थ आपको गिवन है 4.5। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, उसकी कैपेसिटी पूछिए आपको। उस क्यूबॉइडल टैंक की क्या पूछी है, कैपेसिटी पूछी है, वो भी किसमें फाइंड आउट करनी है आपको, लीटर में। क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, उस क्यूबॉइडल टैंक की फाइंड आउट करनी है कैपेसिटी, और वो भी आपको किसमें फाइंड आउट करनी है, लीटर्स में फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, सॉल्यूशन होगा इसका लिखेंगे डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वाटर टैंक लिख लो या टैंक लिख लो, क्यूबॉइडल टैंक लेंथ इसकी आपके पास यहाँ पे 6 मीटर, विड्थ आपको गिवन है इसकी 5 मीटर और जो डेप्थ आपको दे रखी है डेप्थ को अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हाइट से, डेप्थ है इसकी यहाँ पे 4.5 मीटर। तो पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद में आपको चेंज करना है उसको किसमें, लीटर में। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे वो मीटर में आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में चेंज करना है उसको लीटर्स में, तो लीटर में चेंज करेंगे। पहले इसको वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम
वाटर टैंक, क्योंकि टैंक को कैपेसिटी पूछी थी टैंक की आपको, तो वो गई उसका वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4.5। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके पास हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 4.5 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 45 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 135 हो जाएगा यहाँ 135 मीटर क्यूब। 4.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 135 मीटर क्यूब। ये तो मीटर क्यूब में अपने पास आंसर आ गया, लेकिन आपको फाइंड आउट करना था लीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको। आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, वी नो डैट, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, वैसे क्वेश्चन में गिवन भी है आपको, वी नो डैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा यहाँ पे 135000 135000 लीटर, ये उसकी टैंक की आ जाएगी कैपेसिटी, उसकी वाटर टैंक की कैपेसिटी अपने पास ही आ जाएगी किसमें, लीटर में। फाइंड आउट करी थी आपको, एल आपको मीटर में गिवन थी, विड्थ भी मीटर में गिवन थी और हाइट भी मीटर में गिवन थी, तो वॉल्यूम फाइंड आउट किया वो मीटर क्यूब में आ गया, इसको चेंज कर लिया आपने लीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 135000 लीटर इसका क्या जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन आपको 13.5 के एक्सरसाइज में, ए क्यूबॉइडल वेजर इज 10 मीटर लॉन्ग, एक क्यूबॉइडल अपने पास शेप का वेजर गिवन है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर, विड्थ आपको दे रखी है यहाँ पे 8 मीटर। हाउ हाई, मतलब उसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर, उसका वॉल्यूम आपको गिवन है क्यूबॉइडल वेजर का 380 मीटर क्यूब ऑफ ए लिक्विड, उसके अंदर अपने पास उसकी कैपेसिटी आपको गिवन है वेजर की वो दे रखी है 380 मीटर क्यूब, तो आपको फाइंड आउट करनी है उसकी हाइट। ये जैसा क्वेश्चन है भी देखो अपने पास सोल्यूशन होगा इसका, लेंथ जो आपको गिवन है यहाँ पे वो गिवन है 10 मीटर, विड्थ जो गिवन है इसकी वो 8 मीटर, हाइट आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट, हाइट अपने को करनी है यहाँ पे फाइंड। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए अब आपको वॉल्यूम जो गिवन है इसका क्वेश्चन में, वॉल्यूम जो गिवन है इसकी कैपेसिटी जो गिवन है क्यूबॉइडल वेजर की वो आपको दे रखी है 380 मीटर क्यूब, 380 क्यूबिक मीटर या फिर अपने पास मीटर क्यूब, इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे अपन। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, जो आपको गिवन है यहाँ पे 380, इसके इक्वल रखेंगे इसको, लेंथ हो जाएगी इसकी यहाँ पे 10 मीटर, 10, विड्थ हो जाएगी इसकी 8 इंटू हाइट आपको करनी है फाइंड आउट इज इक्वल टू 380, ये हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे 80h इज इक्वल टू 380, और यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो h हो जाएगा यहाँ पे 380 डिवाइड बाई 80, जीरो से जीरो कैंसिल, 38 बाई 8 को कैंसिल आउट करेंगे, 8 4 जो 32, रिमेनिंग बचेगा मेरे पास यहाँ पे 6.60 हो जाएगा अपने पास, 60 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम 56, 4 रिमेनिंग 45 टाइम 4.75 मीटर, ये अपने पास आएगी इसकी हाइट। यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द वेजर, हाइट ऑफ क्यूबॉइडल वेजर लिख लें, वेजर अपने पास हाइट ऑफ वेजर इज इक्वल टू 4.75 मीटर, ये इसका अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी होती, विड्थ और हाइट आपको गिवन होती, वॉल्यूम आपको गिवन होता, तो सेम मेथड से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो इसकी लेंथ, उसी सेम मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसकी विड्थ, उसी सेम मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसकी हाइट, जब आपको वॉल्यूम गिवन हो एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ विड्थ की वैल्यू पुट करके हाइट आपने फाइंड आउट कर ली, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सेट क्या कर देंगे चेंज, डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा इसका 4.75 मीटर। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपको गिवन है इस एक्सरसाइज में,
क्वेश्चन नंबर फोर वो गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड और 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। आपको एक क्यूबॉइडल शेप का अपने पास एक पिट का मतलब होगा अपने पास एक गड्ढा, ठीक है ना, और डिगिंग का मतलब अपने पास होता है वैसे उसकी जो गड्ढा अपन जो खोदते हैं ना, खोदना, डिगिंग का मतलब अपने पास क्या होता है वैसे, खोदना, एक गड्ढा बनाया है अपने पास किस शेप का, क्यूबॉइडल शेप का, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 8 मीटर, विड्थ आपको दे रखी है 6 मीटर और जिसकी डेप्थ आपको दे रखी है 3 मीटर। डेप्थ को अपन लेंगे एज ए हाइट और उसकी आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है डिगिंग की 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। आपको 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट दे रखी है 30 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट आपको क्या करनी है इसमें फाइंड आउट। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन होगा इसमें जो लेंथ आपको गिवन है वो गिवन है 8 मीटर, विड्थ जो आपको गिवन है यहाँ पे ब्रॉड आपको दिया है 6 मीटर और जो डेप्थ आपको गिवन है वो गिवन है क्वेश्चन में 3 मीटर। फाइंड आउट करेंगे इसका वॉल्यूम, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट इक्वल टू फॉर्मूला होगा अपने पास एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 8 मीटर इंटू 6 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 8 को 6 से करेंगे 48 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने पे 8 को 3 से 24, 4 को 3 से 12 और 2 14, 144 मीटर क्यूब ये अपने पास आएगा उसकी बॉडी पीट का वॉल्यूम। अब आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे टोटल मीटर क्यूब कितना आ गया 144, 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट आपको क्या दे रखी है डिगिंग की 30 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 30 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 30 रुपीज़। फिर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 30 × 144 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पर पास आंसर आएगा इसका फाइनल 4320 रुपीज़, ये आ जाएगा पास में आंसर, टोटल कॉस्ट इसकी आ जाएगी। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद में आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट पर मीटर क्यूब से, 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब कॉस्ट आपको गिवन थी, 30 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ गया 4320 रुपीज़, ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन जो 5 गिवन है आपको एक्सरसाइज में 10.5 में, वो गिवन द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द टैंक, विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है टैंक की और लेंथ और डेप्थ आपको गिवन है 2.5 एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली, लेंथ जिसमें गिवन आपको 2.5 और डेप्थ आपको गिवन है यहाँ पे 10 मीटर, इसकी फाइंड आउट करनी है आपको विड्थ। सोल्यूशन होगा इसका, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में, कैपेसिटी वॉल्यूम होगा अपने पास गिवन 50,000 लीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 50,000 / 1,000, सोल्व करने में पास ये आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। अब जो अपने पास वॉल्यूम आ गया वो किस में आ गया, मीटर क्यूब में, क्योंकि आपको जो डेप्थ और जो लेंथ आपको गिवन थी वो गिवन थी मीटर में, तो आपने इसको भी किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है, इसकी जो लेंथ गिवन है टैंक की वो गिवन है यहाँ पे 2.5 मीटर और जो विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, डेप्थ जो गिवन है वो गिवन है यहाँ 10 मीटर। वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, वो वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ पे 50, लेंथ आपको गिवन है 2.5 मल्टीप्लाई बाई विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है, हाइट गिवन है यहाँ पे 10 और b की जगह क्या रह जाएगा, b इज इक्वल टू 50। 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो अपने पास हो जाएगा ये 25, बी इज इक्वल टू 50, और यहाँ से जो विड्थ की वैल्यू आएगी वो आएगी 50/25 इज इक्वल टू 2 मीटर। इस अपने पास क्वेश्चन विड्थ आएगी वो आएगी इसकी 2 मीटर। यहाँ लिखेंगे देयरफोर देयरफोर विड्थ ऑफ द टैंक इज 2 मीटर। ये अपने पास क्या आएगा इसका आंसर। वॉल्यूम आपको गिवन था, लेंथ आपको गिवन थी, हाइट आपको गिवन थी, क्या फाइंड आउट कर लिया आपने यहाँ पे विड्थ इसकी फाइंड आउट कर ली। विड्थ आ गई यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 25, साथ में बी इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 50/25 इज इक्वल टू 2 मीटर। ये अपने पास क्या हुआ इसकी विड्थ इन मीटर, इसका हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन 1 to 5 इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अपने पास कोई डाउट्स इन क्वेश्चन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।